दोस्तों नमस्कार, स्वागत है देश की पुकार चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत लोगों के दिमाग में जो गलतफहमी है इस बात को हम दूर करने वाले हैं और अपनी सोच बताने वाले हैं आखिर क्या कारण है कि सारी की सारी कंपनियां जो निवेश करती थी बंद हो गई। चाहे साईं प्रसाद हो, चाहे कैमना हो और चाहे रोज वैली हो या पल्स हो, इस प्रकार से जितने भी कंपनियां थी पैसा निवेश करती थी और रिटर्न भी करती थी, जो कि लंबा दायरा था, सहारा भी थी और सहारा आज किस स्थिति में पहुंच गई इसे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद जानते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, बहुत लोगों को बहुत बुरा भी लगेगा लेकिन सच्चाई में बताने जा रहा हूँ, सच्चाई सुनिए। दोस्तों अपने दिमाग पर जोर डालिए और ये देखिए कि आखिर कोई कंपनी ऐसी है जिसको जो रजिस्ट्रेशन करवा करके प्राइवेट सेक्टर पे काम कर रही हो, पैसा निवेश कर रही हो, आज वो जीवित हो। अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं तो यही पाते हैं कि सारी की सारी कंपनियां आज की डेट में बंद हो गई हैं, चल नहीं रही हैं। सब कंपनियों के ऊपर वही हाल है जो अन्य कंपनियों के ऊपर है। सारी की सारी कंपनियां बंद हो गई, क्यों बंद हो गई इसी पर हम बात करने वाले हैं और आपको इस दिशा में सोचने की जरूरत है आखिर क्या कारण है कि सारी की सारी कंपनियां बंद हो गई। इस पर बात करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। हम जितने भी ग्राहक हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि वो लोग एजेंटों को दोषी ठहराते हैं, कंपनियों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन एक बार ये सोच के देखें क्या वास्तव में इन जो एजेंट लोग थे इनकी गलती है या कंपनी की गलती है या सरकार में उन लोगों की गलती है जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन दिया है काम करने के लिए, अथॉराइट प्रोवाइड कराया है और उनको अथॉरिटी मिली थी काम करने के लिए वो इतने दिन से। कोई कोई कंपनी 10 साल 20 साल और 30 साल 35 साल पुरानी कंपनियां थी जो लगातार चल रही थी और रिटर्न भी कर रही थी, उन कंपनियों पर ग्रहण लग गया, वो धराशायी हो गई, सारी की सारी कंपनियां बंद हो गई। एक तरफ सरकार प्राइवेटाइजेशन करने में जुटी हुई है, सबको प्राइवेट कर रही है और एक तरफ ये संदेश दे रही है कि प्राइवेट कंपनियों में पैसा जमा करना गलत है इसलिए बंद हो गया, मतलब गलत तरीके से काम कर रही थी। इस बात को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है दोस्तों, क्या वास्तव में ये सब जो चल रहा है ऐसा ही है। तो इसी पर हम बात कहने वाले हैं जो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है लेकिन बात सही है, दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। बात यह है दोस्तों, इन कंपनियों से पैसे की बहुत मांग होती थी, इतनी मांग होती थी कि सरकार इतना पैसा मांगती थी सेबी के द्वारा, अन्य संस्थाओं के द्वारा, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं सरकार की, उन संस्थाओं के द्वारा बहुत भरकम पैसा वसूलने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उस प्रक्रिया में इस सारी की सारी कंपनियां पैसा देते चली गई क्योंकि इनके बाप का पैसा थोड़े था, ग्राहक का पैसा था, कस्टमरों का, गरीबों का पैसा था, इन्हें भी दर्द नहीं आ रहा था। और ये कंपनियां किसी माने में कम नहीं थी, ये भी जुट गई पैसे को लुटाने में और सरकार लूटने में जुट गई और भारी भरकम पैसा देते देते एक दिन तो ऐसा ही आना ही है कि दिवालिया हो जाएगा। और वही हुआ, आखिर में वही हुआ जो होना चाहिए था। सरकार ने जो नीतियां अपनाई उस नीतियों के तहत इन कंपनियों का विनाश हो गया, अर्थात ग्राहकों का सर्वनाश हो गया, कस्टमरों का सर्वनाश हो गया, एजेंटों की नौकरी चली गई जो काम करते थे। कहने का मतलब यह है बेरोजगारी के बेइंतहा पार कर गया, कितने लोग बेरोजगार हुए। रोजगार की बात करने वाली सरकार, ये हम सीधा सीधा सरकार के ऊपर बात करने वाले हैं, सरकार को ही दोषी मानते हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज ऐसा हुआ है, ये मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से बताना। इन्हीं नीतियों के चलते ये सारी की सारी कंपनियां बर्बाद हुई, लोग बर्बाद हुए, हम दोष न दें लेकिन कोई ऐसी कंपनी आप बता दीजिए
जो आज भी चल रही हो, ना बंद हुई हो और वो अच्छी तरीके से रिटर्न कर रही हो, चलती हो, क्या आपके नजर में कोई कंपनी ऐसी है, कोई बचा है? तो कहने का मतलब दोषी सारी कंपनियां हैं, कोई अच्छा नहीं है। जब कोई अच्छा नहीं है तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है, उठेगा सवाल, क्यों नहीं उठेगा? क्या कोई अच्छाई किसी कंपनी में नहीं मिली? सारी की सारी कमियां सारी कंपनियों में मिल गई और सारी कंपनियों को बंद किया। मैं बात से समर्थन करता हूं कि सारी की सारी कंपनियां गलत थी, उनको बंद कर दिया गया, लेकिन इस बात को ध्यान क्यों नहीं रखा गया कि कस्टमर भूखों मर जाएंगे, उनके बच्चों का क्या हाल होगा? क्या जनता के बारे में सरकार एक बार सोची है? जो वकालत करते हैं कि कंपनियों में कमियां थी इसलिए वो बंद हो गई, मैं मानता हूं इस बात को भी कि हाँ कमियां थी, बंद हो गई, लेकिन इस बात को भी सरकार क्यों नहीं मानती है कि इस बात को भी उसे सोचना चाहिए कंपनियां बंद करने से पहले कि सारे निवेशकों का पैसा दिलवाना चाहिए। लेकिन ऐसा किया इन्होंने नहीं किया। आप देख सकते हैं सहारा हो, पीएसएल हो, आज जो इक्का दुक्का पीएसएल का पेमेंट किसी किसी के अकाउंट में जा रहा है, बस नाम मात्र के लिए केवल कागजी कालम पूरा किया जा रहा है। दोस्तों इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो हम एक ही बात स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग बर्बाद हुए हैं, इसलिए एक मत होकर के सरकार को ही सबक सिखाने की जरूरत है। इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताना दोस्तों। ये गुस्सा सरकार पर उतरना चाहिए, एजेंट पर नहीं। और यहां तक कि हम ये कहना चाहेंगे कि कंपनियों पर भी नहीं, क्योंकि सरकार ही एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो सारे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। तो अगर ऐसे सरकार को इन सब बातों को सोचने की कहां फुर्सत है कि लोग कैसे कैसे प्रताड़ित हो रहे हैं, एजेंट कैसे कैसे धक्का मुक्की खा रहे हैं, कैसे लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, इसके बारे में सरकार को सोचने की फुर्सत नहीं है। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे आप सभी से, मार्केट में जितनी भी कंपनियां थी, चाहे पल्स हो, चाहे रोज वैल्यू हो, या सहारा हो, साईं प्रसाद हो, कैमना हो, आइडोल हो, मतलब जितनी भी कंपनियां थी, नाम गिनाते चले जाओ, सारी की सारी बंद हो गई। किसी भी सेक्टर में काम कर रही थी, पैसा निवेश करवा रही थी, सब बंद हो गई। तो सवाल तो उठेगा ही, क्यों नहीं उठेगा? सरकार पे सवाल इसलिए उठता है, अगर आप सरकार के पसधर हैं कि सरकार का दोष नहीं है, तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा, आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर पक्ष लेते हैं तो, पक्ष लेते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सारी की सारी कंपनियां सभी में दोष आ गया, सभी दोषी थी। अगर दोषी थी तो सरकार निर्दोष, सरकार को निर्दोष मैं कहता, जब सारी की सारी कंपनियों में जमा धन निवेश सभी लोग सभी निवेशकों को बांट दिया जाता, मिल जाता, तो मैं मान लेता कि सरकार जनता के हित में सोचती है, सरकार जनता विरोधी नहीं है। लेकिन यहां पर ऐसा हुआ ही नहीं, सब लोग प्रताड़ित हुए। यहां एजेंट भी अछूता नहीं रहा और निवेशक भी अछूते नहीं रहे, सारा का सारा पैसा निवेशकों का डूब गया। तो दोस्तों जरूरत तो इसी बात का है, हम कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से सबक सिखाने की जरूरत है सरकार को। ऐसी अब तक सरकार नहीं हुई, ऐसी अब तक सरकार नहीं हुई, इतनी भारी मात्रा में लोग किसी न किसी कंपनी में जमा कर दिया हो और उसके बाद सारी की सारी कंपनियां बाद में चलने वाली बंद हो गई हो, आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और डिजिटल डिजिटलाइज होने के बावजूद भी ऐसा हुआ तो यह पहली बार है कि इतना पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, जनता इतना सब मतलब कि हर क्षेत्र में जानने के बावजूद लोगों ने विश्वास किया। हम ये कहना चाहेंगे सरकार को जब इस तरह करना ही था तो क्यों रजिस्ट्रेशन करवाती है? आज भी रजिस्ट्रेशन करवा करके बहुत सारी कंपनियां आज भी नए तरीके से पनप रही हैं और उनका भी यही हाल होगा। दोस्तों यहां तक मैं कहना चाहूंगा कि आज की डेट में बैंक सुरक्षित नहीं है,
पैसा जमा करोगे तो कहाँ जमा करोगे, जहाँ 6 साल में डबल हो जाता था, 7 साल में डबल हो जाता था, आज डबल होने का कोई साल ही गिनती नहीं कब डबल होगा, 15 साल 20 साल लग जाएंगे तब जाकर होगा। आपकी मजबूरी है कि बैंक में जाकर जमा करें और भारी से भारी अपना पैसा सरकार के जो बैंकें खुली हुई हैं उसमें जमा करें, और उसमें से किस प्रकार से फिर लोगों का पैसा खत्म किया जाएगा उनकी नीतियां बन रही हैं, आप खुद समझदार हैं। देखें दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो।